गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग और स्वागत है आज की मॉर्निंग में। हाँ, दो व्लॉग तो ऐसे मैंने डाल दिए हैं जब से मैं गांव से आई हूँ, 4-5 दिनों में मतलब। और गांव मतलब क्या, प्रतापगढ़ जब गई थी मैं तो वहाँ पे यार मतलब मुझे पैरों में बहुत ठंड लगती है, इसलिए मैं कुछ और स्वेटर पहनूँ नहीं पहनूँ। आजकल जब से मेरी थोड़ी बहुत ऐसे हेल्थ इशूज़ है ना, तब से मेरा पैर ऐसा सुन्न हो जाता है, तो मैं स्वेटर पहनूँ नहीं पहनूँ, लेकिन मैं सॉक्स ज़रूर पहन लेती हूँ। तो हाँ, वहाँ पे जाके फिर व्लॉग नहीं बन पाता यार मुझसे, पता नहीं क्यों मैं बहुत ही कॉन्शियस हो गई हूँ, मुझे बड़ा ना ऐसी शर्म सी आने लग पड़ती है अब मेरा व्लॉगिंग सबके सामने करने में। पता नहीं क्यों ऐसा क्यों गया, लोग समय के साथ और खुलते हैं, मैं समय के साथ और बंद जा रही हूँ क्योंकि छोड़ो। हाँ, सो फाइनली अगेन आप लोगों को पता है अमन और पापा नहीं है यहाँ पे, वो 14 को आएंगे, 14 तारीख को अयोध्या से, और डुगू के एग्ज़ाम चल रहे हैं, डुगू गया है स्कूल एग्ज़ाम देने, अभी देखा जी आई नहीं है, तो घर की साफ़ सफाई हुई नहीं है, तो मैं बेडशीट चेंज कर रही थी। उससे पहले दिवाकर जी ने कहा भाई मुझे ठंड लगने लग गई है, और स्वेटर और कपड़े जो गर्म कपड़े हैं हमारे वो निकाल लो, तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन अकेले तो नहीं कर पाऊँगी ना। कुछ कुछ करके ऐसे मैं निकालने लग पड़ती हूँ ना सामान, जैसे कि एक एक गरम सूप निकाल लेती हूँ मैं अपना ना पहन के, मतलब ऐसे घर में पहनने के लिए, तो एक ये कर लेते हैं, एक स्टॉल निकाल लेती हूँ अपनी, चमचम चमचम तो चमक ही रही है। कंबल निकाल लो। हाँ, हमें कंबल भी दिलवा निकाल लेते हैं, और मेरी टोपी भी निकाल लो, ये मेरी क्या डुगू ज़्यादा लगाता है इसको, लेकिन निकाल लेते हैं इसको भी, सब धुलने पड़ेंगे यार ये सारे। बेड में रखने से बदबू आ जाती है ना, वैसे आ रही है। मेरा एक और ये स्टॉल है, निकाल लूँ, बल्कि ये ज़्यादा यूज़फुल है, इसमें कुछ ज़्यादा ही चमचम है। जिस समय पे मैंने ये लिया था ना, उस समय पे इनका बड़ा ट्रेंड चल रहा था ऐसे वाले स्टॉल्स का, मतलब हो गए 3-4 साल हो गए, लेकिन ये तो आप अभी भी चल जाएगा है ना। पिछले साल तो लियो नहीं, ये 2019 में लिया था, 19 या 20 में लिया था इसको, दोनों को साथ ही लिया था। और ये स्वेटर इतने बढ़िया बढ़िया हैं, लेकिन ये मुझे आएंगे कहाँ अब तो। मैंने आपको ये तो बताया नहीं, मैं 82 kgs पे यहाँ से, आप पहले स्टार्टिंग से जानूँ, मेरा वेट 89.9 था और अप्रॉक्सीमेटली 90 किलो के आसपास, ठीक है ना। तो मैंने अपनी जर्नी शुरू करी, 1.5 महीने मैंने डाइट किया अपना, और भी जो करना था वो किया, और मैं अपना 89.9 से 82.5 पे आ गई थी, ठीक है। 82.5 मान लो मोटा मोटा। और मैं घर गई तो मेरा वज़न बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा था, सिर्फ 83 point something हुआ था। आज भी मैंने अपना जो वेट देखा है वो 83 point देखा है, मैं आपको दिखाती हूँ, मैं फ़ोटो खींचती हूँ रोज़ अपने वेट की जब भी मैं वेट करती हूँ अपना। तो ये देखिए आज की लेटेस्ट फ़ोटो जो है, ये 83.8 है, तो मेरा कोई बहुत ज़्यादा वेट नहीं बढ़ा है वापस आने पे, देखा। तो मैं अभी जैसे मतलब 1 किलो के आसपास बढ़ा के आई हूँ, 4-5 दिन में आई भी हूँ, पुराने के लड़के का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया, एक दो चीज़ें और घर पे खाई पी, तो मैं इतना समझ रही हूँ कि ठीक है। मतलब अब ऐसा तो नहीं है ना यार, अब खाओगे और कहीं जाएगा नहीं, नहीं आपने खाया तभी 1 किलो बढ़ा, तो मुझे तो उम्मीद थी मैं 10 दिन गांव रह के आ रही हूँ, जितना कम किया है 10 दिन में सारा बढ़ा के आ जाऊँगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन मैंने अपने ऊपर फिर भी कंट्रोल रखा और उतना नहीं बढ़ा मेरा वेट, जबकि मैं फंक्शन में गई थी, रोज़ पूरी खानी थी, दोनों टाइम पूरी खानी थी और मिठाइयाँ खानी थी हर चीज़, लेकिन मेरा वेट फिर भी अंडर कंट्रोल है, तो धन्यवाद सोनिया जी। लेकिन अपनी तसल्ली के लिए आटा ले गई थी, भले बनाया नहीं मैं ज्वार का आटा ले गई थी पता आपको, लेकिन इतनी भीड़ में यार आप ये कहने की बातें होती है, बना नहीं पाते हो सीधा तो ये टॉप। और मेरा टारगेट क्या है, ये टॉप है मेरा एक ब्लू कलर का, आप लोग देख लीजिए, मुझे इस सर्दियों में इस टॉप में फिट आना है, ये टॉप मेरा बहुत फेवरेट है, और ये
और 5 साल पुराना टॉप है, 5 या 6 साल पुराना टॉप है। हरिद्वार गई थी तब लिया था। जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था ये तब का टॉप है और मुझे इसको मैंने चार बार पहना होगा मुश्किल से, चार बार और ये इतनी अच्छी क्वालिटी का टॉप है। मैंने ये मेरी शायद फर्स्ट शॉपिंग है मॉल से आई थिंक, पता नहीं मुझे याद नहीं है। तो मुझे इस टॉप में फिट आना है अगेन। अभी देखो टॉप कहाँ तक आ रहा है, इतना साइज मेरा बढ़ा हुआ लग रहा है। तो मुझे इस टॉप में आ जाओगी इसमें फिट आना है फिर से लग नहीं रहा है मैं आ जाऊंगी। मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश मत करो तुम हर वक्त करके। और मुझे मेरी यार इतनी महंगी जैकेट, इतनी बढ़िया जैकेट, मेरी ये जैकेट भी मुझे नहीं आ रही है। देखो ये देखो इतना साइज इसका ही है यार। और मेरी जैकेट में सबसे महंगी जैकेट मेरे पास ही है तो मुझे अगेन इसमें भी फिट आना है। तो मेरे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं बट मैं इसमें अब फिट नहीं आ रही हूँ। बट ठीक है मुझे आना है अगले 1.5-2 महीने में। मैंने और अपना 8-9 किलो वजन कम करना है और इसमें फिट आना है। मेरा 8 किलो वजन और कम हो जाएगा मैं इन सब कपड़ों में फिट आ जाऊँगी फिर, क्योंकि ना मेरा जब 73 kgs के आसपास वेट था तभी तो मैंने लिए थे सारे कपड़े। तो अगर 73 में आ गई ना समझो मैं मेरे बल्ले बल्ले हैं फिर तो मैं कुछ भी कर जाऊंगी। हाँ और क्या, कुछ जैकेट्स वगैरह ये क्या है मेरी टी शर्ट है, अरे मैं नहीं पहनूंगी इसे, दे दूंगी किसी को। ये स्वेटर है मेरा, ये बड़ा गर्म है लेकिन अगेन नहीं आता है यार। जो अच्छे कपड़े हैं कुछ नहीं आ रहे मुझे, देखना इसमें भी इतना दिवाकर जी। और मेरे बेटे का ये स्वेटर देखिए, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ फिर मैं बताती हूँ। ये स्वेटर आप छोटे सोचेंगे डुगू को बहुत छोटा है, बिल्कुल अभी डुगू को बहुत छोटा हो गया, जब बनाया था तो ये बहुत बड़ा बना था। और ये मेरी मम्मी की लाश निशानी है डुगू के पास, मेरी मम्मी ने अपने हाथ से बनाया है स्वेटर। ये जब डुगू पैदा हुआ था ना तो उसी साथ मेरी मम्मी ने ये इतना बड़ा बनाया था। मैं गुस्सा कर गई थी उनके ऊपर कि मम्मी इतना बड़ा क्यों बना रही हो, उतना छोटा सा बच्चा है, 8-9 महीने का बच्चा है, इतना बड़ा क्यों, उसको नहीं वो पहन ही नहीं पाएगा। मम्मी ने कहा कि कोई नहीं वो अगले साल से पहनेगा, फिर 4-5 साल पहनेगा। और सही बात है, ये स्वेटर डुगू ने 4-5 साल पहना है और अब वो बड़ा हो गया है तो ये उसको नहीं आएगा। बट मैं फिर भी इसको संभाल के रखूँगी, अगर भगवान ने चाहा हमें कभी दूसरा बच्चा हुआ तो ये उसके लिए होगा, मेरी माँ की तरफ से। सो फाइनली गाइज अभी सारे कपड़े देखो हमने कितना बड़ा गट्ठा निकाला है धुलने के लिए, अभी सारे गर्म कपड़े धुलने में जाएंगे। और एक स्वेटर और मिला है, ये भी डुगू का ही है लेकिन अभी डुगू को आता नहीं है, छोटा हो गया है। ये दिवाकर की बड़ी वाली बहन ने बना के दिया था, अच्छा लगता था ये, इसको भी बहुत पहना है डुगू ने ना, बड़ी वाली बहन ने दिया था बड़ी दीदी ने दिया था। तो ये एक स्वेटर है, इसको मैंने निकाल तो लिया है लेकिन ये आएगा नहीं डुगू को, डुगू बड़ा हो गया है इसको, हाँ बहुत पहना है दिवाकर रेखा जी डुगू ने, ये भी बहुत पहना है। और एक मेरी मम्मी ने बनाया था रेड वो तो मैंने वापस रख दिया, वो भी बहुत पहना है, जैकेट था मम्मी ने जैकेट बनाया था उन्होंने ही बनाया था। एक और बनाया था शायद उस पर लिखा था गुड बॉय करके कुछ ना, गॉड बॉय या गुड बॉय, गुड बॉय वो भी रखा है। ये सारे लगाने पड़ेंगे धुलने में लेकिन पहले रेखा जी से कहा जा रहा है रेखा जी कुछ अच्छा सा खिला पिला दीजिए, सुबह से हम लोग इसी काम में लगे हुए हैं। सुबह और 10:30 बज गए और हमने कुछ 10:30 एग्जैक्टली 10:31 हो गए एग्जैक्टली देखो, और हमने कुछ खाया पिया नहीं है, 7 बजे के उठे हुए हैं। तो रेखा जी से पहले हम विनती कर रहे हैं हमें कुछ खिला पिला दो,
उसके बाद काम पे लगेंगे, ठंड लगने लग गई मुझे। मतलब ये देख के लगता है कि विंटर जो है स्टार्ट हो गया। हाँ, ये भी धुलने में, ये वाली बेडशीट भी धुलने में डाल दो। और ये फ्रूटी के देखना, वही जो कपड़े थे ना, इसी को मैंने उल्टा करके पहना दिया, नीचे से जींस वाला साइड, मतलब डुअल साइड कपड़े हैं ये, तो उल्टा करके पहना दिया, एक नई ड्रेस बन गई। और क्या, मजा आ रही हूँ फटाफट से। रेखा जी कुछ खिला पिला दीजिए, फिर मैं भी नहाऊं और इंसान बन जाऊं। किला बहुत जल्दी जल जाता है ना। हींग ही हींग का स्वाद आएगा। इसमें डालूंगी थोड़ा सा ऑयल। आज हमारे घर में बन रही है कढ़ी और चावल दोपहर के लंच में, तो मैं इसमें डाल रही हूँ हींग। और इसमें मैंने घोल बना दिया है, घोल के डाल दूंगा क्योंकि गांठ वाली है ना, ये गल जाएगी उसमें जाएगी। और ये क्या है, दही और पानी और इसमें बेसन है। अब हल्दी वगैरह डालूंगी, मसाले वगैरह ज़्यादा हो जाए। नहीं, बढ़िया मिला हल्दी है। हल्दी अच्छा है। लीजिए रेखा जी, ये डालेंगे हम। तो फाइनली कढ़ी बनके यहाँ तैयार हो गई है। देखिए हमारी बहुत बढ़िया कढ़ी बनी है, एकदम लाजवाब सी कढ़ी तैयार हो गई है। और इसको रख देती हूँ। और यहाँ मेरे राइस भी तैयार हैं। तो आज दोपहर में हम खा रहे हैं कढ़ी चावल। और घर का सारा काम भी हो चुका है ऑलमोस्ट, मैंने हेयर वॉश भी कर लिया है, तो मेरा सारा काम ऑन द वे नहीं हो चुका है, पूरा हो चुका है। और यहाँ ले लिए मैंने थोड़ा सा राइस, उसके बाद लूँगी मैं कढ़ी। और आप मैं खा लेती हूँ घर अपना, जब तक इसको बंद करना भी अपने आप स्ट्रगल। हाँ, मैं आपको घर दिखाती हूँ। ये देखो हमारी एक घर की प्राणी। और ये देखिए मेरा रूम जो है बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है। अब हम अपना खाना खाऊंगी, खाना खाने के बाद थोड़ा देर नीचे वॉक करूंगी एक डेढ़ घंटा, एंड देन उसके बाद हम अपना और काम करेंगे। कपड़े वहाँ धुल्ले में लगा दिए हैं, दिखाती हूँ आपको। आइए, कपड़े ऑलरेडी मेरे यहाँ धुल रहे हैं। और इसके बाद जो है ये भी धो रहे हैं, मतलब सारा काम चल रहा है। सो गाइस, इस व्लॉग को मैं अब यहीं पे एंड कर दे रही हूँ। और मैं मिलूंगी अब आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक हम लोग अपना कढ़ी चावल एंजॉय करते हैं। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों में से किसको कढ़ी ज़्यादा पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। ओके, तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। इसके ऊपर डाल देती हूँ मैं अपनी कढ़ी। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप सब मिलेंगे। बाय।